नए वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ आ गई। अच्छा हाँ बेटा बैठ। लगता है सूरज आज उल्टी दिशा से उगा था। आज पानी कैसे पूछ लिया? वो माँ कल ना मेरा एक इंटरव्यू है, तेरी मदद चाहिए। अपने सुपरवाइजर से कह के फैक्ट्री के लेटर हेड पे मुझे एक साल का एक्सपीरियंस बनवा दो ना। एक साल का? लेकिन तूने तो एक महीना भी काम नहीं किया है। अरे पता है, तभी तो कह रही हूँ। ये तो जालसाजी और फरेब है। माँ कंपनी वाले मांग रहे हैं, नौकरी के लिए जरूरी है। अरे सुपरवाइजर ऐसे कैसे दे देंगे एक साल का एक्सपीरियंस लेटर? मैं नहीं बात करने वाली। तुझे मेरी तरक्की से जलन है ना? नहीं चाहते कि मैं जिंदगी में कुछ करूं, आगे बढ़ूं? तेरी तरक्की से नहीं, तेरे तरीकों से दिक्कत है। मेहनत और ईमानदारी से काम कर। बस बस बहुत हो गया फालतू लेक्चर। तीसरा जिंदगी भर फैक्ट्री में काम नहीं करना मुझे। जो चाहिए उसे हासिल करने के लिए जो करना पड़ेगा ना मैं करूंगी, तू देखना। अरे सुन तो। स्नेहा स्नेहा स्नेहा, क्या सुबह सुबह शोर मचा रही हो? चाय कहाँ है मेरी? नहीं बनाई, आज लेट हो गई हूं मैं। अच्छा सुन, गैस वाला आएगा, कहीं चली मत जाना। पैसे अलमारी में रखे हैं। कितनी बार का है, बिना चाय बनाए मुझे मत उठाया करो। शर्म आनी चाहिए तुझे, चाय और नाश्ता खुद बनाया कर, समझी? आजकल रोज का नाटक हो गया है, घर के सारे काम मैं करती हूँ, नाश्ता तो बना सकती हो? अरे कहा ना, लेट हो गई। अच्छा सुन, मेहनत और ईमानदारी से जॉब हासिल कर, ना कि फर्जी लेटर से, समझी? सुबह सुबह ज्ञान, जाओ अब लेट नहीं हो रहा। इतना वक्त लगता है दरवाजा खुलने में? बाथरूम में थी। शक करना बंद करो, कोई नहीं है। वरुण को बुलाया है ना घर पे? पता है आस पड़ोसी क्या क्या बातें करते हैं? वरुण से ब्रेकअप हो गया मेरा, बताया था ना, मिलती भी नहीं उससे अब। ब्रेकअप? मुझे बेवकूफ समझती है क्या? इतना महंगा फोन, ये सब कहां से आया है मुझे सब पता है। माँ तुम भी क्या? माँ कोई मुफ्त में कुछ नहीं देता है, अकेली इतनी मेहनत करके मैंने तुझे पाला है। रिश्तेदार और मोहल्ले वाले सब इज्जत करते हैं मेरी। अरे कुछ तो लिहाज कर, कल कौन करेगा तुझसे शादी? वो भी ना आते ही शुरू हो जाती, बस एक बार जॉब मिल जाए। May I come in, sir? Yes, come in. Yeah, please sit. आपने अपने रिज्यूमे में लिखा है कि आपने एक साल तक किसी गारमेंट फैक्ट्री में काम किया है,
लेकिन आपका एक्सपीरियंस लेटर इसमें नहीं है। सर, मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगी। सर, मुझे एक चांस दीजिए प्लीज। देखिए, बिना एक्सपीरियंस लेटर के हम आपको किसी अच्छी पोस्ट के लिए कंसीडर कर नहीं पाएंगे। सर, मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। मुझे बहुत कुछ सीखना है आपसे। अब मैं इस जॉब के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। फादर क्या करते हैं आपके? नहीं है। सॉरी। 3 साल की थी तभी चल बसे थे। माँ ने अकेले पाला है, अब मुझे माँ को सपोर्ट करना है, उनके सपने पूरे करने। सब मेरा यकीन कीजिए, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ओके, मैं बाकी के कैंडिडेट्स को देखने के बाद को डिसीजन लूंगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तब तक आप बाहर जाकर बैठिए। थैंक यू सर। कैसा रहा इंटरव्यू? जिसे तुझे बड़ी चिंता है, मदद तो की नहीं और अब बेकार में चिंता जता रही। हवा में उड़ना छोड़ दे स्नेहा, झूठ बोल के नौकरी हासिल करना अच्छी बात नहीं है। कल तू मेरे साथ फैक्ट्री चल। सुपरवाइजर वैसे भी तेरे बारे में पूछ रहे थे। कितनी बार कहा है मुझे फैक्ट्री पे काम नहीं करना? अरे तो कहां काम करेगी? बड़ी कंपनी में। तू मेरी चिंता छोड़ दे, मैं अपना संभाल लूंगी। सर, थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकती आपने कितना बड़ा एहसान किया है मुझ पर। एक्चुअली तुम्हारे अंदर काम करने का जो जज्बा है ना, जो पैशन है, आई लाइक इट। इसीलिए तो तुम्हें जॉब दे रहा हूँ मैं। थैंक यू सर। लेकिन तुम्हें ज्वाइनिंग से पहले HR को सारे डॉक्यूमेंट्स, ये एक्सपीरियंस लेटर वगैरह सब जमा करना पड़ेगा। तुम अपनी प्रीवियस कंपनी में बात क्यों नहीं करती? उनसे रिक्वेस्ट करो कि वो दे दें। सब किया था, थोड़ा टाइम लगेगा। सर, मैं एक्सपीरियंस लेटर ज्वाइनिंग के बाद दे सकती हूँ? ठीक है, तुम ज्वाइनिंग के बाद दे देना, मैं HR से बात कर लूँगा। थैंक यू सो मच। लुक, बहुत मेहनत से काम करना। सर, मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बहुत तो चिल्लाऊं तुम्हारे लिए, बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया सबको। सर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं। आपने इतना बड़ा एहसान किया है, मैं कभी नहीं भूलूंगी। शुरू शुरू में सब यही बोलते हैं, लेकिन बाद में किसी को याद नहीं रहता। मैं बाकियों की तरह नहीं हूं सर, आप जो बोलेंगे मैं सब करूंगी। आखिर आपने इतना कुछ किया है मेरे लिए। तो कल से ज्वाइन कर लो। ये रहा ज्वाइनिंग लेटर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। क्या कहा था मैंने? मुझे नौकरी मिल गई, बहुत बड़ी कंपनी है, और ये रहा उसका अपॉइंटमेंट लेटर। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करना, ठीक है? हाँ हाँ, पता है पता है। बोल दियो अपने सुपरवाइजर को, तेरी तरह फैक्ट्री में नहीं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों के बीच में काम करूंगी, और इंटेलिजेंट तो मैं हूँ ही, हूँ कि नहीं? चल अब जल्दी से तैयार हो जा, आज बाहर खाना खाएंगे। आज नहीं बेटा, फिर कभी। अरे इतने दिन बाद मैं खुश हुई हूँ, चलो फटाफट रेडी हो जा। सर, आपने बुलाया? हाँ स्नेहा, वो अब स्नेहा वो
एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है, एचआर एक्सपीरियंस लेटर मांग रहा है। तुम एक काम करो, कैसे भी करके आज शाम तक सबमिट कर दो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सर मैंने फैक्ट्री ओनर से बात की, वो नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। परेशान कर रहे हैं मतलब? सर वहाँ वर्क कल्चर एनवायरमेंट बहुत खराब था, इसलिए मैंने जॉब छोड़ा। ओनर नहीं चाहते थे कि मैं जॉब छोड़ूं। सर मैं सच बोल रही हूँ, अभी तक लास्ट मंथ की सैलरी भी नहीं दी। सर प्लीज आप कुछ हेल्प कर दीजिए। हेल्प मैं? सर माँ बहुत खुश है, जॉब चली जाएगी तो उनको धक्का लगेगा। प्लीज सर ठीक है, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, तुम जाओ। थैंक यू सर। अच्छा स्नेहा, एचआर से बात हो गई, तुम्हें एक्सपीरियंस लेटर देने की कोई जरूरत नहीं। सच सर? हाँ। थैंक यू सो मच। तुम निकल रही थी क्या? हाँ सर कुछ काम था। हाँ वो एक्चुअली सिद्धार्थ चला गया ना, तो कुछ इम्पोर्टेंट कोटेशन भेजने थे, तुम भेज दोगी? यस सर। मेरे केबिन में आ जाओ। ओके स्नेहा, देखो ये डन, आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल सुबह देखेंगे। ठीक है चलते। अरे तुम घर कैसे जाओगी? टैक्सी ले लूंगी सर। अरे इतनी रात हो गई है, तुम ऐसे चलो, मैं तुम्हें टैक्सी स्टैंड छोड़ देता हूँ। श्योर सर। खाना कब से तैयार है, मैं पूछ रही हूँ, लगा दूँ? हाँ तो लगाओ ना, आ रहा हूँ। I'm very sorry sir, वो नई ड्रेस ट्राई कर रही थी, फ्रेंड की जगह पिक्चर्स आपको चली गई। तो सॉरी बोलने की क्या जरूरत है, वैसे सुंदर लग रही हो। और ड्रेस? ड्रेस भी? खाना लग गया है, आ जाओ। हाँ ठीक है आ रहा हूँ। अच्छा सुनो,
कल ऑफिस से मिलता हूँ, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। आज भी मौसम क्या बात है? अब बताओ भी, क्या बात है? क्या? तुम उस समय फोन पर क्या देख रहे थे? फोन पर? कब? डिनर के टाइम। अरे यार, कितनी बार कहा है मुझ पे शक मत किया करो फालतू में तुम। और मुझे नहीं, अपने आप को देखो, वजन बढ़ता जा रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी रही नहीं। अब योगा एक्सरसाइज किया करो, मुझे लगता है तुम जिम सिर्फ पैसे जमा करने जाती हो, बस और कुछ नहीं। जब देखो शक किया करो तुम। मैं कम इन सर? यस कम इन। सब कोटेशन मैंने भेज दिए, मेल किया आपको। ग्रेट। अरे कहाँ जा रही है? डेस्क पर। आ बैठो। कल घर पहुंचने में देर तो नहीं हुई? नहीं, कल रात पिक्स के लिए एक्सट्रीमली सॉरी, गलती से भेज दिया। इट्स ओके। नो, तुम किसी को भेज रही थी फोटोज तो याद है? हाँ राइट। स्नेहा, उस ड्रेस में तुम काफी अच्छी, सुंदर लग रही थी। थैंक यू सर। कंफ्यूज थी, सोचा उसका ओपिनियन ले लूं। बॉयफ्रेंड या फ्रेंड? बॉयफ्रेंड नहीं, दोस्त है, अनामिका। अच्छा अच्छा अनामिका, ग्रेट। सब एचआर से कॉल आया, अभी सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रमोट कर रहे हैं मुझे। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, ये आपके बिना पॉसिबल ही नहीं था। नो, सब तुम्हारी मेहनत है, तुम डिजर्व करती हो। अरे तभी तो मैंने तुम्हें रेकमेंड किया था, अब वैसे भी वो सीट वैकेंट थी तो तुम्हें मिल नहीं थी। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। सर, मेरे सिस्टम में ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आईटी वालों को बुलाया है मैंने, पर मुझे एक अर्जेंट मेल करना है, आपके लैपटॉप से कर सकते हैं? श्योर, आओ ना प्लीज, बैठो। अरे बैठ जाओ। स्नेहा, शाम को क्या कर रही हो तुम? कुछ खास नहीं सर, छुट्टी के बाद घर। घर? तो ये जो प्रमोशन हुआ है, इसकी पार्टी कौन देगा? पार्टी? आज? हाँ आज। ओके ठीक है, आज की पार्टी मेरी तरफ से। एंड गेस व्हाट, एक सरप्राइज प्लान किया मैंने तुम्हारे लिए, लेकिन तुम बच जाओगी मत सोचना, नेक्स्ट पार्टी तुम्हारी तरफ से। लेकिन स्नेहा, एक डिनर की बात तो कर रहा हूँ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। मेरे लिए आपकी क्या कोई और इंटेंशन भी हो सकती? ओके देन,
शाम को कंफर्म। ठीक है, शाम को। सरप्राइज। अच्छा लगा? बहुत सुंदर। अब मैडम नहीं है घर पे? अरे बताया था तुमको ना कि मेरी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं, तो अपने घर गई हुई है। वैसे मैडम होती तो ज्यादा अच्छा लगता। अरे क्यों उसकी याद दिला रही है? बीवी है आपकी। थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए कि मेरी बीवी है। क्या हुआ, आप खुश नहीं हो? जबरदस्ती की गई शादी से कौन खुश रह सकता है भला? मैं इस रोज रोज की झिकझिक झगड़ा सबसे परेशान हो चुका हूँ। ये चाहता है डाइवोर्स दे दूँ उसे। डाइवोर्स? एक्चुअली मेरी शादी मेरे पेरेंट्स की मर्जी से हुई थी, मेरी मर्जी से नहीं। वैसे रश्मि तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं। मेरी तरह मतलब? तुम्हारी तरह मतलब तुम्हारी जैसी सुंदर, इंटेलिजेंट। सच बता रहा हूँ, तुम्हारी शादी जिससे भी होगी वो इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान होगा। बाकी लड़कियों को भी आप यही लाइन बोलते हैं सर? बच्ची नहीं हूँ मैं, सब समझ आते हैं। ये सरप्राइज, ये डेकोरेशन, मुझे भी पता है कि बच्ची नहीं हो तुम। जितने पता है, जब तुम पहली बार मुझसे मिली थी तो तुमसे एक कनेक्शन सा महसूस हुआ था, तभी तो मैंने तुम्हारी हेल्प की। समझ रहे हो? कैसा कनेक्शन बताओ? किसकी थी ये गाड़ी? कौन था वो आदमी? बॉस है मेरा, बताया था ना ऑफिस में पार्टी है, भूल गई? याद नहीं। लेकिन लेकिन क्या? और तू सोई क्यों नहीं अभी तक? जब जवान लड़की घर से बाहर यूं देर रात तक आवारा गर्दी करती रहे तो कौन माँ भला सो सकती है? आवारा गर्दी नहीं कर रही, ऑफिस में पार्टी थी। बेवकूफ समझ रही है मुझे? ओहो तू फिर से शुरू मत हो जा, मुझे नींद आ रही है, कल ऑफिस जाना है। मैं भी फैक्ट्री में काम करती हूँ, सब समझती हूँ। 3 महीने में कैसे प्रमोशन मिलता है? तू गलत बात कर रही है, मैंने बहुत मेहनत और अच्छा परफॉर्म किया है। तू जाने, लेकिन आइंदा के बाद यूँ देर रात तक लौटना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुझे तो मैं ही बर्दाश्त नहीं, जलने लगी है ना तुम मुझसे? अरे कोई माँ अपने बच्ची से जलती है क्या? इतने सालों से काम कर रही हूँ,
आज तक किसी ने मुझ पे उंगली नहीं उठाई। सब इज्जत से ही पेश आते हैं, और तू भी लोगों को और आस पड़ोसियों को बातें बनाने का मौका मत दे। बात समझ मेरी। अरे तेरे भलाई के लिए ही कह रही हूँ मैं। तू और तेरे आस पड़ोसी हर बार का यही रोना धोना है। मेरी लाइफ है, मुझे पता है क्या डिसीजन लेने क्या नहीं। लोग कौन होते हैं समझाने वाले बताने वाले। क्या हुआ आज सुबह सुबह अपसेट? तेरे क्या हुआ बताओगी? कुछ नहीं, बस वो रात को ठीक से सो नहीं पाए। मैंने तो कहा था रुक जाओ, मैं अच्छे से सुला देता तुमको। और माँ? माँ अब क्या हंगामा किया उन्होंने? रोज का हो गया है, सोच रही हूँ कहीं शिफ्ट हो जाऊं, पीजी या फिर रेंट। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ठीक है, मैं आई। कम इन सर। कम इन। ओह विजय। स्नेहा, विजय हमारे एमडी साहब के भतीजे हैं, आज से हमारे साथ काम करेंगे। हेलो। स्नेहा तुम विजय को सारा काम समझा दो, और विजय कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो सीधे मेरे पास आ जाना। या श्योर सर, थैंक यू। स्नेहा एक मिनट, आज ऑफिस के बाद मिलते हैं, वो तुम्हारी माँ की कोई प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्व करनी है। आप ऐसे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सर? हाँ, तुम्हें अपने साथ रख लूंगा सारी प्रॉब्लम सॉल्व। और रश्मि आपकी बीवी, उसका क्या? तुम बार बार उसका नाम क्यों ले देती मेरे से? तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर किसी की क्या जरूरत है? अभिनव क्या हो रहा है ये सब? रश्मि तुम कौन है ये लड़की? रश्मि क्या कर रही हो? तुम्हारे ऑफिस में काम करती है ना ये? रश्मि मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ सबको सब। तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारी फैमिली को पता है कि तुम क्या कर रही हो? हस्बैंड नहीं है। हस्बैंड नहीं है तो कौन है? माँ। तुम्हारी माँ को पता है कि तुम किसी और के हस्बैंड के साथ उसके बेडरूम में रंगली बना रही हो? कहाँ रहती हो तुम? रश्मि मेरी बात सुनो, मैं समझा, एक मिनट फोन दो मुझे। हाथ मत लगाना, वरना मुझसे बुरा आज कोई नहीं होगा। तुम्हारी लड़की बाजी खत्म ही नहीं हो रही है। रश्मि मेरी बात तो सुनो एक बार प्लीज। आज मैं कुछ नहीं सुनूंगी, नहीं चुप बैठूंगी। तुम्हारे बॉस को जाके ये वीडियो दिखाऊंगी, ताकि तुम्हारे बॉस को और सबको पता चलना चाहिए कि तुम क्या करते हो। तुम दोनों का जुलूस ना निकला ना, तो देखना। रश्मि, रश्मि ये अरे तुम निकलो यहाँ से कपड़े पहन के तुरंत। पर वो वीडियो फोन। अरे वो सब मैं देख लूंगा, तुम पहले निकलो यहाँ से, जाओ। रश्मि, रश्मि, रश्मि ने अगर सच में ऑफिस में आकर तमाशा कर दिया तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है। कुछ नहीं होगा स्नेहा, मैंने रश्मि को समझा दिया, तुम मेरी बात समझ नहीं रही। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। लेकिन अगर कुछ नहीं, देखो हमारे बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलने वाला। हा? और वो वीडियो? वो डिलीट करा दी मैंने। आप झूठ बोल रहे हो। अरे स्नेहा तुम क्यों टेंशन दे रही हो इतना? भरोसा है ना मुझ पे, मैं सब संभाल लूंगा ना। अरे रश्मि कुछ नहीं कहेगी, उसको पहले भी सब। उसके पहले क्या? कुछ नहीं, देखो उसे मैं बाहर ले जाऊंगा, घुमाऊंगा फिराऊंगा, उसका मूड ठीक हो जाएगा तो फोन से वो वीडियो डिलीट करवा दूंगा मैं। भरोसा रखो मुझ पे, कुछ नहीं होगा। स्नेहा सुनो, अब हम घर में तो मिल नहीं सकते हैं, तो किसी होटल या लॉज में मिलना पड़ेगा। मिलने आओगी ना? स्नेहा तुमसे कितना प्यार करता हूं, आओगी ना मिलने? हुँ?
हाय हाय वो स्नेहा, मैं क्लाइंट लिस्ट देख रहा था तो उसमें कुछ डिटेल्स क्या हुआ? आर यू ओके? परेशान दिख रही हो? ओ बॉस ने कुछ कहा क्या? तुम्हें पता है ना अंकल एमडी है मेरे इस कंपनी के। बताओ क्या डाउट है? डाउट वाउट बाद में, पहले काम करते हैं, बाहर चलते हैं और चाय पीते हैं, तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। नहीं ठीक है। अरे चलो बाबा, पता है ना तुम्हें फिर एमडी अंकल मेरे। काम जी सर। स्नेहा कहाँ है? स्नेहा मैडम तो विजय सर के साथ बाहर गई। ठीक है तुम जाओ। इसमें मेरे कुछ सर्टिफिकेट्स रखे हुए हैं जो मेरे डेस्क पर, अभी रख देना आप अंदर ड्रॉअर में। ठीक है जी मैम। मैं निकलती हूँ। उस विजय के लिए तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? कल 2 घंटे वेट किया तुम्हारा मैंने। मैं नहीं आ रही, बोला था आपको। तुम्हारे और विजय के बीच में क्या चल रहा सब मालूम मुझे। मैं और विजय सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। दोस्त? तुम जैसी लड़कियां किसी के दोस्त नहीं हो सकती है। तुम सिर्फ अपना मतलब देखती हो बस। आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। देखो होटल में रूम बुक कर रहा हूँ, प्लीज मेरी बात मान जाओ, मान जाओ वरना। अब आप मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे? जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, मिस कर रहा हूँ स्नेहा तुमको, प्लीज आधे घंटे की बात है, प्लीज प्लीज मान जाओ। मैं नहीं आ रही, रश्मि ने अगर। अरे क्या रश्मि? रश्मि क्या, हर बार रश्मि को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, समझी? तुम साफ साफ बोलो ना, मुझसे मन भर गया है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है मुझसे, अब साफ साफ बोलो ना कि तुम्हें वो एमडी का भतीजा विजय जो मिल गया है। हाँ मिल गया। तो आप कौन होते हैं मेरी पर्सनल लाइफ को क्वेश्चन करने वाले? कोई ना तुम उसके साथ। हाँ छोड़ो मुझे, वरना मैं शोर मचा दूंगी। ये कुछ कोटेशंस हैं, इनको डेटाबेस टैली करना है। अभी छुट्टी हो गई है, मैं सुबह आकर करती हूँ। सुबह क्लाइंट को देना है, अभी करो, अर्जेंट है। ओके मुझे जाना है, जरूरी काम है। पहले ये करो फिर जाओ, वैसे भी सारा दिन ऑफिस में टाइम पास हुआ करती क्या हो तुम? अभी तक सोच रही हो? भूल जाओ। अभिनव जानबूझकर परेशान कर रहा है। मैं ऑफिस में दिन भर कुछ नहीं करती, ऐसा बोला उसने। मुझे तो अपने अंकल से बात करो ना, उन्हें बताओ कि अभिनव अपने जूनियर्स को कैसे परेशान करता है, कैसे बेइज्जती करता है। मैं अंकल से बात करूंगा, लेकिन अभी तुम अपना मूड ठीक कर। अभिनव को जब से तुम्हारे और मेरे बारे में पता चला है ना, तब से वो जला बुना बैठा रहता है। विजय, अभिनव तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी बोल सकता है, उसकी बात का कभी यकीन मत करना। तो तुम दोनों के बीच में कभी कुछ हुआ था? नहीं कभी नहीं। अब कोशिश की थी उसने, पर मैंने उसे लिफ्ट नहीं दी।
इसलिए वो तुम्हें लेकर मुझसे अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। ठीक है, मैं बात करूं उससे इस बारे में। अब नहीं, जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, अब तुम ज्यादा टेंशन मत लो। हाँ, अगर अभिनव ने कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, अच्छा सबक सिखाएंगे उसको। सच? तो मेरा साथ दोगे? हाँ बिल्कुल। विजय, मैं फिर से कह रही हूँ, अभिनव तुम्हें कुछ भी बोले तुम उसकी बातों में मत आ जाना। हाँ बाबा, आई ट्रस्ट यू एंड आई लव यू। क्या हुआ, घर जा रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ, कुछ तो बोलो। अभिनव ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। What? और रीजन दिया है कि मैं काम नहीं करती, उसकी बात नहीं मानती। ऐसा कैसे कर सकता है वो? तुम एमडी सर अपने अंकल से बात करो ना। अंकल ऑफिशियल टूर पर ऑस्ट्रेलिया गए हैं 3 दिन के लिए, और अभी उनसे फोन पर बात करना सही नहीं होगा। मेरे लिए नौकरी बहुत जरूरी है। देखो, एक बार तुम उन्हें वापस आने दो, फिर अच्छे से बात करता हूँ मैं उनसे। हूँ, मुझे तुमसे दूर नहीं होना। मुझे भी स्नेहा। हाँ लेकिन अभी तुम एक काम करो, तुम अभी शांति से अभिनव से बात करो, देखो क्या कहता है। मैं आ कमें? आ जाओ। हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिए। तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी दिन से खराब चल रही थी, ऊपर से कंप्लेंट्स, वैसे भी ये डिसीजन मेरा नहीं, एचआर का है। झूठ! चिल्लाओ मत, बॉस हूं यहां मैं। अगर काम पर ध्यान दिया होता ना तो नौबत ही नहीं आती। काम पर नहीं, डिमांड्स पर। आपकी बात नहीं मानी इसलिए मुझे जॉब से निकाल दिया ना। जबान संभाल कर बात करो। देखिए, आपको पता है मुझे इस जॉब की कितनी जरूरत है। मुझे तो याद था, लेकिन शायद तुम भूल गई। सबसे लड़कर जॉब दिलाई मैंने तुमको, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तुम्हारे पास नहीं था, 3 महीने में प्रमोशन दिलाई मैंने तुमको, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या किया? विजय के आते ही मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया तुमने, क्योंकि वो बेटर ऑप्शन है ना, एमडी का भतीजा। स्नेहा, तुम एक सेल्फिश लड़की हो जो सिर्फ लोगों का यूज करना जानती हो, बस। आपने भी जब चाहा मुझे यूज किया, जितना दिया उससे ज्यादा वसूल किया है। जिस दिन विजय को तुम्हारी सच्चाई पता चल गई ना, फिर देखना। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं दे रहा हूं, अलर्ट कर रहा हूं। घर जाकर ठंडे दिमाग से सोचो। देखो स्नेहा, मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। विजय को कुछ पता नहीं चलेगा, सिर्फ एक बार, प्लीज सिर्फ एक बार। अभिनव ऐसा कैसे कर सकता है? वो मुझे बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकता है। धमकी दे रहा था तुम्हें लेकर, मेरे साथ सोना चाहता है, उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मुझे
तुमने कहा था अगर अभिनव हमें परेशान करेगा तो हम भी उसे छोड़ेंगे नहीं, याद है ना तुम्हें? तो वक्त आ गया है बदला लेने का, इससे पहले कि वो कोई चाल चले। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम अभिनव को अभी नाजिया पार्क बुलाओ और उसे कहो कि तुम तैयार हो। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या काम था? देखो तुम विजय को मेरे बारे में कुछ नहीं बताओगे? यहाँ तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? अरे कितने खुश थे हम दोनों एक दूसरे के साथ, कितना प्यार करता था तुम। प्लीज एक बार मेरी बात मान जाओ। मैं विजय से प्यार करती हूँ, अब ऐसा नहीं हो सकता। एक रात की बात है बस, ये पास में होटल है, मैं अभी अभी बुक करता हूँ। कहा ना नहीं हो सकता, मुझे नखरे करने लगी आजकल तुम। मतलब मजा आता मुझे सताने में ना तुम्हें? छोड़ो मजा आता ना, छोड़ो मेरा। आप स्नेहा? जी। दो दिन पहले मतलब 14 तारीख को आप अभिनव से मिली थी, उनको कॉल किया था। झूठ मत बोलिए, सबूत हैं हमारे पास। आप दोनों का अफेयर चल रहा था, अभिनव की वाइफ रश्मि ने आप दोनों का इंटीमेट वीडियो दिखाया हमें। सर मैं बेकसूर हूँ। तो फिर कसूरवार कौन है बताइए? अभिनव को क्यों मरवाया? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अरे क्या हो गया, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो उस दिन मेरे घर पे, प्लीज आप किसी को कुछ मत बताइएगा। हाँ वैसे कुछ है तुम्हें दिखाने? वैसे तुम्हारी माँ ये सब देखकर बहुत खुश होंगी। अरे उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि बेटी बाहर आके क्या गुल खुला रही है। मैं अभिनव सर से अब बात भी नहीं करती हूँ। हाँ मुझे पता है, क्योंकि तुम्हें तो विजय मिल गया है और विजय तो बहुत पैसे वाला लड़का है। सही कह रही हो ना मैं? आप प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दीजिए प्लीज। हाँ डिलीट कर दो, कहाँ कहाँ से डिलीट करोगी, और कई जगह स्टोर है ये वीडियो। मैं विजय से प्यार करती हूँ, हम दोनों शादी करने वाले हैं। मुझे पता है तुम जैसी लड़कियां कितनी शादी की, सिर्फ अपनी अय्याशियों के लिए और पैसों के लिए, आज इसके पास कल इसके पास तो परसों उसके पास। तुम्हें पता है तुम जैसी लड़कियों को समाज में क्या कहा जाता है? गोल्ड डिगर। विजय को पता चलेगा तो मुझसे रिश्ता तोड़ देगा। आप पैसे ले लो, बताइए कितने चाहिए। तुम मुझे पैसे दोगी? पैसे तो मैं तुम्हें देती हूँ, एक शर्त है, फिर ये वीडियोस भी डिलीट हो जाएंगी। तुम्हें सिर्फ मेरा एक छोटा सा काम करना होगा, बोलो मंजूर है? इस बात का अभिनव के मर्डर से क्या ताल्लुक है? अभिनव ने जब मुझे जॉब से निकाल दिया तब मैं रश्मि से मिलने गई। अभिनव ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है, विजय के साथ रिलेशन तोड़ने के लिए भी कह रहा है, साथ सोने के लिए फोर्स और ब्लैकमेल कर रहा है। प्लीज मेरी हेल्प करो। मैंने तुमसे कहा था ना? क्या?
यही कि अभिनव किसी का सगा नहीं है, बहुत सेल्फिश इंसान है। तुम जैसी लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता है, उन्हें यूज करता है, एक कूड़े की तरह फेंक देता है। लेकिन एक सलूशन है, इससे तुम्हारा विजय से रिश्ता भी खत्म नहीं होगा। अभिनव को मार दो, मैं तुम्हें इस काम के लिए 10 लाख रुपए दूंगी। तुम्हारी वीडियोस, फोटोज सब डिलीट हो जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर तुम आराम से विजय के संग शादी कर लेंगे। बोलो, मंजूर है? तो 10 लाख रुपए के लिए आपने अभिनव का मर्डर कर दिया। अभिषेक, पुलिस स्टेशन इन्फॉर्म करो, रश्मि को अरेस्ट करने के लिए एक टीम भेजें। अभिनव के कत्ल में और कौन कौन शामिल था आपके साथ? विजय, मेरा बॉयफ्रेंड। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। नहीं। विद्या, ले चलो इन्हें। नहीं।